हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि बच्चों की आई का केयर कैसे करना है। जब हमारे न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होते हैं तो वो इतने छोटे होते हैं और उनकी जो आईज होती हैं वो 6 महीने तक बच्चे की जो आईज है उसके टीयर डक्ट को डेवलप होना होता है। तो इतने छोटे बच्चे की हमें आईज का केयर कैसे करना है, अगर बच्चे के आँख में कुछ दिक्कत आ रही है तो बिना डॉक्टर के जाए क्या वो सिम्टम्स हैं जो हम समझ के अपने बच्चे की हेल्प घर पे ही कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो में आज जानेंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे बच्चे को अगर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे बेबीज की आँख से आंसू निकल रहे हैं, अगर हमारे बच्चे की आँख में गंदगी आ रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने हाथों को अच्छे से हैंड वॉश से धुलकर 2 अलग अलग कॉटन लेनी है। एक कॉटन हमें बच्चे की एक आँख में यूज़ करनी है, दूसरी कॉटन बच्चे की दूसरी आँख में यूज़ करनी है। रीज़न उसका ये है कि हमें सबसे पहले उस बच्चे की आँख को साफ़ करना है, क्योंकि बच्चा जैसे ही मॉर्निंग में उठ रहा है तो उसकी आँख चिपक रही है, उसकी आँख में गंदगी आ रही है। तो सबसे पहले तो अच्छे कोल्ड वाटर से, अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से हमें बच्चे की आँख को साफ़ करनी है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, एक ही कॉटन दोनों आँखों में मत लगाइएगा, हो सकता है एक आई में ज़्यादा इन्फेक्शन हो और एक आँख में इन्फेक्शन हो भी ना, लेकिन आपकी एक ही कॉटन यूज़ करने से बच्चे की दोनों आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ का याद रखिए कि बच्चे में 2 कॉटन यूज़ करिए। आँखों को साफ़ करने के बाद एक प्रैक्टिस में ये चीज़ लेके आनी है, अगर आपके बच्चे में इन्फेक्शन हो रहा है तो भी, और अगर नहीं इन्फेक्शन हो रहा है तो कम से कम 6 महीने तक अपने बच्चे के साथ ये मसाज की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। करना कुछ नहीं है, अपनी कोई भी फिंगर जो आपको कंफर्टेबल हो, ये 2 फिंगर्स या ये 2 फिंगर्स या ये 2 फिंगर्स, इनको लेनी है और बच्चे की टीयर डक्ट की को मसाज देनी है। इससे जो वो ब्लॉक हो रहा है, जिस वजह से बच्चे के आंसू रुक नहीं रहे हैं, जिस वजह से वो गंदगी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, वो क्लियर आउट होती है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं थी और जब ये मेरे बेबी में ये प्रॉब्लम आया बर्थ के 1 महीने बाद, तो मैं उसको 1-2 दिन तक वॉच करने के बाद सीधे डॉक्टर के पास विजिट किया। डॉक्टर ने सिंपल सोल्यूशन दिया, कोई दवाई नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, कुछ ये इन्फेक्शन नहीं है, ये क्वाइट नॉर्मल है और सारे बच्चों को होता है। जिन बच्चों को माँ बाप काजल लगा देते हैं उनको भी होता है, और जो उनको नहीं भी लगाते उन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको करना क्या है, मसाज कैसे देनी है वो देखते हैं। तो आपको अपनी 2 बिल्कुल साफ हाथों की फिंगर्स को बच्चों की टीयर डक्ट पे लेके जाना है और 5 बार क्लॉकवाइज मसाज देनी है और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज मसाज देनी है। अगर आपके बच्चे की आँख में इन्फेक्शन है तो 1 दिन में ये 5 से 6 बार मसाज ज़रूर दीजिए, 2-3 दिन तक दीजिए, और आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो उनका टीयर डक्ट है वो डेवलप हो जाएगा, जो ब्लॉक उनकी जो चीज़ हो रही है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अब उस केस की बात करते हैं कि जहाँ पे आपके बच्चे को इन्फेक्शन नहीं है तो भी बेबी छोटा है और ये चीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है, तो ये प्रैक्टिस में डालिए कि जब भी आप अपने बच्चे की मालिश करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, तो मालिश का जो पहला इनिशियल पॉइंट है वो आई मसाज से ही होना चाहिए। बच्चे को आप आई मसाज दीजिए एक ही बार, जब नेक्स्ट टाइम मसाज करें तब अपने बच्चे को आई डट की ये मसाज दीजिए। इससे बच्चे की हेल्प होगी, उनको उस तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा और आप परेशान नहीं होंगे। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपके बच्चे के आँख में इन्फेक्शन हो गया है और आपको 5 से 6 बार बच्चे को मसाज देनी है तो उसका शेड्यूल फिक्स करिए। यही नहीं कि आपने एक ही बार में 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर दिया और उसके बाद 2 मिनट बाद फिर अगेन स्टार्ट कर दिया। आपको अलग अलग टाइम पीरियड के बीच में बच्चे को इस तरीके से मसाज देनी है। आप चाहें तो बच्चे के फीडिंग के शेड्यूल के साथ अपना ये टाइम सेट कर सकते हैं और अपने बच्चे को मसाज दे सकते हैं, और इससे आपके बच्चे की आई डक्ट की प्रॉब्लम, आँखों से आंसू आना, आँखों में गंदगी जमा होना, ये सारी प्रॉब्लम का निजात हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।